जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 20 जुलाई 2023, दिन गुरुवार, और आज बृहस्पतिवार का कौन होना है करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे, जिसको खेल के 500 पॉइंट जीत सकते हैं। और शॉर्ट्स वीडियो इसका चैनल पर, शॉर्ट्स में पहले ही अपलोड कर दिया था, आंसर्स की इमेजेस कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे आगे आने वाले कौन बनेगा करोड़पति में जाके आप अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें और अपना रिविजन भी आप कर सकें। बाकी जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, अपना ज्ञान का लेवल को बढ़ाते रहिए। आप जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं, तो ये हम आ गए हैं प्रश्नों पर। आज का प्रथम प्रश्न जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ है कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, तो यह है तेलुगु। आंध्र प्रदेश के साथ में ही ये तेलंगाना की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आधिकारिक भाषा है, और इसके साथ ही यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आधिकारिक भाषाएँ हैं, उनमें से ये एक है तेलुगु। मराठी जो है वो महाराष्ट्र की है, और इसके साथ ही गोवा की भी है, गोवा में भी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज तो महाराष्ट्र की हुई, और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा जो जुड़ी हुई है वहाँ की भाषा के साथ, तो वो गोवा की है। मलयालम जो है केरल से जुड़ी हुई है, और इसके साथ ही यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, वहाँ की ये आधिकारिक भाषा है। और इसके साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर द्विभाषी यानी कि दो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, द्विभाषी समुदाय के लोग, उनके द्वारा भी मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये भाषा बोली जाती है। कन्नड़ा भाषा जो है ऑप्शन सी कर्नाटक से जुड़ी हुई है, कर्नाटक के लोगों की ये जो है आधिकारिक भाषा है कन्नड़ा। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र किस वर्ष भारतीय संघ का एक अलग राज्य बना, तो ये 1960 में बना था, 1 मई 1960 को। मराठी भाषी जो लोग थे तो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इसके लिए, और एक इसका आंदोलन चलाया था जिसका नाम था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, संयुक्त महाराष्ट्र का मोर्चा। तो उनके संघर्ष के बाद 1 मई 1960 में इसका गठन हो गया था। यहाँ बात करें इसके अर्थ की, महाराष्ट्र की, तो महा का अर्थ होता है महान, और रत्ता राजवंश का संस्कृत रूप है, मींस महान राष्ट्र, और इसको जो है भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, या जैसे हम लोगों के उपनाम होते हैं तो महाराष्ट्र के उपनाम की बात करें तो वह है भारत का प्रवेश द्वार। आदर्श वाक्य की बात करें तो वो है प्रतिप चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्व वंदिता महाराष्ट्र से राजस्य मुद्रा भद्राय राजते, अर्थात महाराष्ट्र की महिमा पहले दिन के चंद्रमा की तरह बढ़ेगी, ये दुनिया द्वारा पूजा जाएगा, यह दुनिया द्वारा पूजा जाएगा और केवल लोगों के कल्याण के लिए चमकेगा। और यहाँ की जो गान की बात करें तो वह है जय जय महाराष्ट्र मज़ा, अर्थात मेरे महाराष्ट्र की जय। तो अब तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि है कि भाप वाले इंजन की खोज किसने करी थी, किसने बनाया था, तो ये थॉमस सेवरे ने बनाया था। ये वाला प्रश्न जो है नए नए ऑप्शंस के साथ में आता है, अभी कुछ दिन पहले खेला था उसमें कोई और ऑप्शन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उससे पहले आया था उसमें जेम्स वॉर्ड ऑप्शन था, आज थॉमस सेवरे है, जबकि इसके स्टीम इंजन का कोई एक इन्वेंटर नहीं है, कई हैं, एक जेम्स वॉट हैं, एक थॉमस न्यू कॉमन है, एक एडवर्ड सोमरेस्ट हैं या सोमरसेट, और एक हैं एडवर्ड हवर, और आज ये कह रहे हैं थॉमस सेवरे। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस प्रश्न में। यदि यहाँ पर ये होता ना कि कॉमर्शियली हु इन्वेंटेड द कॉमर्शियली स्टीम इंजन, मींस व्यावसायिक रूप से उपयोग होने वाले भाप से चलने वाला उपकरण किसने बनाया था, क्योंकि इंजन को जो है मशीन भी बोलते हैं, ज़रूरी नहीं इंजन का मतलब वही ट्रेन वाला ही इंजन हो,
इंजन तो मशीन में भी होता है। तो अगर वहाँ किया, मतलब वहाँ की बात की जाए, तो इनका जो है ऑप्शन इसमें आ सकता है थॉमस सेवरी का और सेवेरी या सेवरी। और इन्हें जो है सेवेरी इंजन के रूप में भी जाना जाता है, कि जैसे पूछा जाए कि सेवेरी इंजन किसने बनाया था, तो वो थॉमस सेवेरी ने बनाया था। मतलब पहला नाम पूछा जाए तो वो है थॉमस सेवेरी। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि पहला है रिचर्ड ट्रीविथिक। इनके बारे में ऐसे ही क्विज के कौन ना करोड़पति के क्विज के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो यहाँ फिर से नहीं बताऊँगा। और बस शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वर्किंग रेलवे स्टीम लोकोमोटिव था, जो आपने सुना होगा ट्रेन में शब्द आता है लोकोमोटिव, तो पहला जो कार्यशील बनाया था लोकोमोटिव स्टीम इंजन, वो इन्होंने ही बनाया था। बाकी इन्होंने जो है स्टीम इंजन के निर्माण में अपना योगदान दिया था। जेम्स वॉट के बारे में आप जानते ही हैं, पहले बता भी चुका हूँ। और रॉबर्ट फुलटोन जो हैं, इन्होंने जो है पहली सफल स्टीम बोट बनाई थी कॉमर्शियली, यानी कि व्यावसायिक रूप से जिसका प्रयोग किया जा सके। और नॉर्थ रिवर स्टीम बोट, जिसे क्लेयर मोंट के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में मुझे याद आ रहा है, शायद आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और एक बड़े अमाउंट का ये भी प्रश्न आ सकता है, या ये भी पूछे कि नॉटिलस के लिए किसको जाना जाता है, तो वो यही उससे जुड़े हुए हैं, ये उसके लिए जाने जाते हैं। ये क्या है नॉटिलस? 1800 पनडुब्बी है, 1800 पनडुब्बी, मतलब इतनी सारी पनडुब्बी नहीं है, उसका नाम है पनडुब्बी का 1800 पनडुब्बी, इसका नाम है नॉटिलस, उसके लिए जाने जाते हैं और स्टीम बोट के लिए। अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो ही डेवलपिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल स्टीम बोट द नॉर्थ रिवर स्टीम बोट, ऑल्सो नोन एज क्लेरमोंट इन 1807 द स्टीम बोट ट्रेवल टू हडसन रिवर। ये पूछा जा सकता है कि पहली स्टीम बोट बताई थी, सब कुछ बता दें आपको कि स्टीम बोट इन्होंने बनाई थी वो कौन सी नदी पर चली थी, तो हडसन रिवर है, हडसन HUDSON, अकेले चली थी या उसमें कुछ और था, सामान था या लोग थे, तो लोगों के साथ में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो न्यूयॉर्क सिटी से चली थी एल्बनी तक, और फिर वापसी आई थी राउंड ट्रिप करते हुए, लगभग 560 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आई थी। और कितने समय में करी थी? तो 62 घंटों में, इन 62 आवर्स। तो ये थी बात रॉबर्ट फुलटन से जुड़ी हुई। अब जो है चौथे प्रश्न पर चलेंगे, ये मूवी से जुड़ा हुआ है कि फिल्म बाहुबली मूल रूप से किस भाषा में रिलीज हुई थी। तो आज दूसरा ऑप्शन ऐसा आया जिसका तेलुगु आंसर है, इससे पहले भी हमने एक ऑप्शन में देखा था तेलुगु था, तो मूल भाषा में तेलुगु भाषा की थी, उसके बाद इसको अदर अदर लैंग्वेजेस में डब करके किया गया था। जैसे हॉलीवुड की फिल्म आती है, इंडिया में आती है तो हिंदी में आती है, और कहीं जाती है तो दूसरी भाषा में जाती है, ऐसे ही मेन जो है तेलुगु भाषा की फिल्म थी, जिसको फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाओं के साथ डब करके रिलीज़ किया गया था। बात करेंगे आज के पांचवें अंतिम प्रश्न की, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से मैं आता हूँ, यूपी से। इसका एक और नाम है, यहाँ लिखा है सुहेलवा, तो इसको सुहेल देव वन्य अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पूछे सुहेल देव तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सुहेलवा या सुहेल देव एक ही बात है। कहाँ पर है ये? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में ही है, तो उन जिलों पर और नेपाल की सीमा से भी ये लगता है। तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों पर नेपाल की सीमा के समीप ये है। कब इसको घोषित करा था, कब इस्टेब्लिश हुआ था अभयारण्य के रूप में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में? तो 1988 में, 1988। कितने बड़े हिस्से में? तो यह 452 किलोमीटर, इन 452 किलोमीटर्स। तो ये बात हो गई सुहेलवा या सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की।
और ये थी बात आज 20 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार के कौन आर करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन कुछ थी बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा। ऐसे ही और जीके के लिए सेम क्विज की और वीडियो देख लीजिए, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और क्विज के वीडियो भी मिलेंगे जो कि अमेजोन क्विज की है, जिसको खेल के आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। और बाकी अपनी तैयारी जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। Bye.